एक पाइप में से पानी इतना निकल रहा है, एरिया इनटू वॉल्यूम, पता नहीं क्या का, उधर से पानी इतना निकलेगा। फिजिक्स को सर हम फील कर सकते हैं, वी कैन फील इट इन रियल लाइफ। मैंने कहा ये तो मन को तसल्ली देने वाली बात है। कौन से बर्नौली इक्वेशन के सवाल को तूने टूटी चला के सॉल्व किया है, कभी किया ऐसा? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मन को तसल्ली देने वाली बात है। हाँ, आपने कुछ देखा, वो प्रिंसिपल आपको वहां दिखाई दिया, ये बातें बाहर ही रहेगी। सवाल सॉल्व करते वक्त सर ये फिर से थीटा वीटा घसीटा डी वाई बाई डी एक्स डी अल्फा उल्फा ये सब आ जाते हैं घूम के। और सर ये लोग कहीं नहीं दिखाई देते, सिर्फ यहां रहते हैं। समझे कि नहीं समझे, है ना? सही बोल रहा हूं? नहीं, मुझे आज तक इस बात का लॉजिक नहीं समझ में आया। इट इज नॉट लाइक कि मैं अगर मैथ्स का टीचर हूं तब मैं ये बात बोल रहा हूं, नहीं। आपको एक चीज कहीं पर होती हुई दिखाई दी, बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो ये स्टेटमेंट सभी के अगेंस्ट हो जाएगी, पता नहीं बहुत सारे लोग चिढ़ जाएंगे। आपको एक चीज कहीं पर होती हुई दिखाई दी, ठीक है, हाँ वही। इसके बेसिस पर आप सवाल में क्या कर लोगे? सवाल में तो वही थ्योरेटिकल नॉलेज, फिर से वो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू यहां से यहां वेरी करती है, ये होती है कि नहीं होती है, ये सब चीजें काम आएंगी कि नहीं आएंगी। हाँ, ये अलग बात है कि जो हमने थ्योरी में देखा उसको उसको रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज से, बट उससे सवाल नहीं सॉल्व हो सकते। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बाकी आई पर्सनली लव फिजिक्स, बचने का एक ही तरीका है, यही बोल देता हूं, है ना? वरना ध्यान से देखिए, सचिन सर ने कहा कि फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अबे नहीं, ये नहीं बोला है। ये नहीं बोला भाई, समझने वाला सब्जेक्ट है, फील करने वाला भी है, पर उसको कहां इस्तेमाल करोगे ये नहीं समझ में आता मुझे। चार दिन की दुनिया है फिर हिसाब होगा, ध्यान सुनना। चार दिन की दुनिया है फिर हिसाब होगा, आज मजबूरी में पढ़ ले,